वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की जो केमिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसका मैं नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वो हम मोस्ट ऑफ दी कवर कर चुके हैं। कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बाकी हैं जो हम अभी क्वेश्चन के बेसिस पे प्रैक्टिस कर लेंगे। आज बेसिकली हम कुछ एम सी क्यूज प्रैक्टिस करते हैं जो चैप्टर फर्स्ट के ऊपर बेस्ड हैं। तो देखिए कुछ एम सी क्यूज को हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो एम सी क्यू है वो क्या है हमारा, केमिकल रिएक्शन इज, क्या पूछा गया आपसे, केमिकल रिएक्शन इज, केमिकल रिएक्शन इज। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो देखिए फर्स्ट क्या है, अ वे ऑफ राइटिंग हाउ मैनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंटेन। ठीक है, क्या फर्स्ट क्या बोला, अ वे ऑफ राइटिंग हाउ मैनी एटम्स अ मॉलिक्यूल कंटेन्स। ठीक है, तो क्या बोला गया आपको, किसी भी मॉलिक्यूल के कंटेन एटम्स को लिखने का वे। नेक्स्ट क्या है, द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक है, किसी भी बॉन्ड्स का बनना या फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स को क्या करते हैं, हम एक केमिकल रिएक्शन से शो करते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, द वे टू विच वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के लिखने को देखो हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो बोला है वो क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या है केमिकल रिएक्शन होती क्या है। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ रिएक्टेंट है दूसरा और यहाँ प्रोडक्ट है, तो इस तरह का हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन होती है हमारी। अब देखिए फर्स्ट क्या, अ वे ऑफ राइटिंग हाउ मैनी एटम्स अ मॉलिक्यूल कंटेन, तो ये गलत है। क्यों, कि आपको क्या बोला है कि मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है उसको लिखने का वे केमिकल रिएक्शन होती है, नॉट पॉसिबल, इसको केमिकल रिएक्शन नहीं बोला जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, इस तरह को आप क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन। क्यों बोलेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट था, यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट था, इन रिएक्टेंट के बीच में जो बॉन्ड था वो बॉन्ड टूटेगा और वो क्या करेगा, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये एक तरह की क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। क्या हुआ ये, केमिकल रिएक्शन। देखिए उसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कैसे। जैसे कि आपने यहाँ पर लिया, आपने, हम यहाँ लेते हैं एम जी प्लस, हम यहाँ लेते हैं H2SO4। तो देखिए यहाँ कुछ बॉन्ड था H2 और SO4 के बीच में, जब ये रिएक्शन फॉर्म होगी तो फॉर्म क्या बनेगा, MgSO4 प्लस H2, ये आपका नया कंटेंट बनेगा। तो आप देखिए, आप यहाँ पर H2SO4 के बीच में जो बॉन्ड था उसको तोड़ा, उससे क्या हुआ, SO4 बाहर निकला, उससे क्या होगा, SO4 बाहर निकलेगा। अब इस SO4 ने क्या करा, इस Mg के साथ बॉन्ड बनाया, इस SO4 ने क्या करा, इस Mg के साथ बनाया और एक नया बॉन्ड बना के MgSO4 बना दिया। क्या बना लिया, MgSO4। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ये क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप इस तरह से क्या बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है आपका, सी आपका करेक्ट है, सॉरी बी आपका क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं सी, द वे टू विच वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल, ये गलत है। क्यों, आपके फॉर्मूला लिखने के वे को कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं बोला जाता। नेक्स्ट क्या, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस करने को केमिकल रिएक्शन थोड़ी बोलेंगे हमेशा, केमिकल रिएक्शन को लिखने के बाद उसे बैलेंस किया जाता है, तो बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बैलेंस, किसी भी चीज़ को बैलेंस करना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, बी। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, वॉट इज द कॉफिशियंट नीडेड फॉर एल्यूमिनियम विच वैन द इक्वेशन Al प्लस Cl2 गिव्स AlCl3 इज बैलेंस। अब देखिए आपको बेसिकली क्या बोला गया, इस इक्वेशन के अंदर Al का कॉफिशियंट क्या होगा, Al का कॉफिशियंट, कॉफिशियंट क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल आपने यहाँ लिखा है 2NaCl, तो ये जो 2 लिखा है ये क्या है आपका कॉफिशियंट। मैंने आपको बताया होगा फिजिक्स के अंदर भी आप इसको स्टडी करते हैं, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी के अंदर इस तरह से कोई नंबर लिखा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका कॉफिशियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया, व्हाट इज द कॉफिशियंट नीडेड फॉर Al फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करना है तो कॉफिशियंट क्या होगा। तो देखिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, Al, एल्यूमिनियम रिएक्शन किससे करी है, क्लोरीन से, Cl2 से, और क्या बनाया इसने, AlCl3, तो इसको बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम पे हम क्या कॉफिशियंट लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्लोरीन को बैलेंस करते हैं, क्लोरीन कितना है यहाँ 2 और यहाँ कितना है 3। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एल्यूमिनियम को देखो, पहले बैलेंस दिया आपके पास, लेकिन आप क्लोरीन को जैसे बैलेंस करेंगे, क्लोरीन Cl2 है यहाँ पर और Cl यहाँ कितना है 3। ठीक है, यहाँ पर कितना है Cl2 और यहाँ कितना है Cl3। तो देखिए क्लोरीन को सबसे पहले बैलेंस करते हैं, तो क्लोरीन को बैलेंस करेंगे अगर,
क्लोरीन को, तो देखिए यहाँ कितना है टू और यहाँ कितना है थ्री, तो बैलेंस करने के लिए करें, अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सिक्स हो जाएंगे दोनों तरफ क्लोरीन। वही टेबल जैसे बनाते हैं अपन, वैसे टेबल बना के देखना है पूरा पहले, तो कितना हो जाएगा सिक्स, सिक्स हो जाएंगे तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्लोरीन अकेला नहीं है, कंपाउंड फॉर्म में, तो इसका मतलब टू मुझे पूरे इस कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू मुझे पूरे कंपाउंड के साथ मल्टीप्लाई करने का, जैसे मैं यहाँ टू से पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा ठीक है, और यहाँ पर देखिए थ्री टू जा सिक्स हो गया, और यहाँ मुझे किससे मल्टीप्लाई करने का, यहाँ टू है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से, तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा थ्री से, तो थ्री सी एल टू होगा, यहाँ क्या हो जाएगा थ्री सी एल टू ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थ्री टू जा सिक्स, तो क्लोरीन तो कितना हो गया यहाँ पर सिक्स, और यहाँ देखिए थ्री टू जा सिक्स, क्लोरीन यहाँ भी कितना हो गया सिक्स, लेकिन एल्यूमिनियम देखिए यहाँ एल्यूमिनियम पहले कितना था वन, लेकिन अब कितना हो गया एल्यूमिनियम यहाँ पर टू, एल्यूमिनियम कितना हो चुका है यहाँ पर टू। तो जैसे अब इस टू एल्यूमिनियम को बैलेंस करें, ठीक है एल्यूमिनियम यहाँ कितना हो चुका है टू और यहाँ कितना है वन, तो इसको बैलेंस करने के लिए करेंगे टू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक बार चेक करते हैं ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट, देखिए यहाँ एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम कितना है पर टू, यहाँ एल्यूमिनियम कितना है टू, यहाँ क्लोरीन कितना है थ्री टू जा सिक्स, और यहाँ कितना है यहाँ सी एल थ्री था, तो यहाँ देखिए टू इन टू थ्री, यहाँ भी कितना है सिक्स, तो एल्यूमिनियम टू क्लोरीन सिक्स क्लोरीन सिक्स। तो अब इक्वेशन क्या है आपकी बैलेंस, तो आपने एल्यूमिनियम को, आप उसने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एल्यूमिनियम को आपने कितने कॉपी से मल्टीप्लाई करा है, ना कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर वो बोलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड तो आपको इसको देखना पड़ता, क्यों एल्यूमिनियम क्लोराइड ये है तो इसको आपने टू से मल्टीप्लाई करा, उसने किसको किसको बोला एल्यूमिनियम को। अगर वो क्लोरीन बोलता तो आपको क्लोरीन को देखना पड़ता कि आपने क्लोरीन को किससे मल्टीप्लाई करा, उसने बोला एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम को हमने किससे मल्टीप्लाई करा है टू से, तो इस एल्यूमिनियम को कॉफिशिएंट क्या हो गया इसको बैलेंस करने के लिए टू, तो आपने एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा आपने टू कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करा, तो आंसर क्या हो जाएगा टू ठीक है। तो देखिए टू कहाँ पर, जो टू लिखा है वो टू क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो होप समझ में आया होगा, बैलेंसिंग के हम पूरा एक लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप वहाँ जाकर चेक देख सकते हैं वीडियो ठीक है। तो बैलेंसिंग कितना हो जाएगा, क्या लिखा आपने कॉफिशियंट टू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास क्या दिया हुआ है, Fe2S3 gives 2Fe3S ठीक है, ये S3 है यहाँ पर, Fe2S3 है यहाँ पर ये ठीक है, तो Fe2S3 gives 2Fe+3S इज द टाइप ऑफ, आपको बताना है किस तरह की रिएक्शन है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक कंपाउंड है या एक एलिमेंट है जो क्या कर रहा है, दो एलिमेंट्स में टूट रहा है या दो एटम्स में टूट रहा है ठीक है, क्या है दो एटम्स में टूट रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था जब भी एक सब्सटेंस, जब भी एक सब्सटेंस क्या करेगा, एक या एक से सॉरी दो या दो से ज्यादा एटम्स में या एलिमेंट्स में या कंपाउंड में टूटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कैसी एक रिएक्शन होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डीकम्पोजिशन सी ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट है नहीं क्योंकि इसके अंदर दो एलिमेंट्स का डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट हो नहीं रहा, कॉम्बिनेशन हो नहीं रहा, इसमें डीकम्पोजिशन हो रहा है, क्या एलिमेंट्स टूट रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे चलते हैं, आगे देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर द रिएक्शन N2+3H2 2NH3 ठीक है, N2+3H2 2NH3 हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर नीडेड टू कंप्लीट रिएक्ट 84 ग्राम ऑफ N2 ठीक है। अच्छा ये बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको स्किप भी करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं ठीक है। बेसिकली क्या है नाइन्थ में है आपके मोल कॉन्सेप्ट, और फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है, बाकी मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग आपके बोर्ड ऑफ कंसर्न से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसको बाद में सॉल्व करवा दूँ। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन 2Fe+3H2SO4 गिव्स Fe2SO4⁄3H2, तो ये किस तरह की रिएक्शन है इसके बारे में आपको बताना है ठीक है। तो किस तरह की रिएक्शन है आपको ये बताना है इसको देखिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या हो रहा है, Fe और H2SO4 है, देखिए इस Fe को रिप्लेस करके सॉरी Fe क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह जाके बैठ गया, और क्या बना लिया इसने Fe2SO4 का होल थ्राइस, क्या बना लिया Fe2SO4 का होल थ्राइस और H2 को बाहर निकाल दिया। तो जब एक एलिमेंट ठीक है किसी कंपाउंड में से, किसी कंपाउंड में से किसी दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, जब एक एटम किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड में से एक एटम को रिप्लेस करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और जब सिंगल सिंगल केवल एटम डिस्प्लेस हो रहा है तो क्या बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल नहीं है क्योंकि दो एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं हो रहे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी नहीं है। क्या कर रहा है Fe ने H2SO4 में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या होगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होगी ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन वो क्या कहता है आपके,
सिक्स सॉरी सेवेंथ नहीं, सिक्स तो आप देखिए, तो सिक्स के अंदर क्या बोला गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोला गया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने देखा था क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, सिमिलरली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये सब क्या होते हैं आपके ऑक्सीडेशन, ये सब क्या होता है ऑक्सीडेशन। इसके अलावा भी ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन होती है, वो बेसिकली हायर स्टडीज में है वैसे तो, लेकिन हमें यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स का रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, ऑक्सीडेशन, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए आप इसमें, आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की गेनिंग हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है इसके अंदर। इसमें आप देखेंगे तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपके रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, लेकिन जो कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, जो एलिमेंट बन रहा है, ये बेसिकली क्या है, आयन के फॉर्म से किसमें जा रहा है, क्लोरीन के फॉर्म, मतलब एटम के फॉर्म में जा रहा है। और यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, Fe के अंदर, Fe के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर कर रहा है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव में। तो और हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या फिर क्या करना, ऑक्सीडेशन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, यह कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, जो एग्जाम्पल जो आंसर है वो क्या है, डी। तो ऑक्सीडेशन इज एग्जाम्पल, Fe गिव्स Fe प्लस थ्री, Fe प्लस टू, प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये क्या है एक तरीका आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हालांकि हायर स्टडीज में, लेकिन फिर भी आप एक वर्बली ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कोई पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन ध्यान रखनी है, मैंने बताया था आपको, जब समझाया था कि जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, क्या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स, यानी मतलब एक एलिमेंट का रिडक्शन होगा और एक एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो आपको रिडॉक्स में पूछा गया है कि रिडॉक्स का रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर किसका ट्रांसमिशन होता है, तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हमेशा जो ट्रांसमिशन होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स का ही इंटरचेंज होता है, क्योंकि एक एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा और क्या होगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन उसने दिए हैं तो उसी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, उसी रिएक्शन उस इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। तो बेसिकली क्या होता है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसके अंदर जो एक्सचेंज होता है रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। ये भी वैसे बेसिकली ज़्यादा हायर स्टडीज में ही आपके काम आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा बेसिकली क्या है कि इसके अंदर क्वेश्चंस कुछ इस तरह से भी हैं जो आपके एनटीएससी के लिए भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर आप कुछ एमसीक्यू, इसमें जो एमसीक्यू जो प्रिपेयर है वो बेसिकली एनटीएससी लेवल के प्रिपेयर है, तो अगर आप इन एमसीक्यू के बेस पे, ठीक है, हर चैप्टर के अंदर अप्रॉक्सीमेट हम 20 या 30 आप हर चैप्टर के मान के चलिए, ठीक है। तो अगर 20 या 30 एमसीक्यू आप एक चैप्टर के मान के चलिए, 10 भी चैप्टर हैं, तो आपके साइंस के इस तरह से करके अगर आप 20 चैप्टर मानते, 200 एमसीक्यू आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो इसमें एनटीएससी के बेस पे भी एमसीक्यू हैं, ठीक है, तो आप एनटीएससी के बेसिस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एमसीक्यूज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कॉफिशियंट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑलवेज कैन एक्सप्रेस इन द रेशियो ऑफ, ठीक है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट नया है तो इसको ध्यान रखना क्या है, ठीक है, जो कॉफिशियंट होगा क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, जो भी कॉफिशियंट होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जो उनका जो रेशियो होता है वो होता है मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के जो मोल होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, उसको शो करते हैं, किससे शो करते हैं, मोल से, ठीक है, किससे शो करेंगे हम, मोल से शो करते हैं उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। तो रेशियो जो होगा वो क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स क्या होंगे, इनके मोल्स, तो इनका जो रेशियो होगा उसी से हम क्या करते हैं, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को के कॉफिशियंट को शो करते हैं, किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के शो करते हैं क्या, कॉफिशियंट्स को, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, तो मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, मोल्स कॉन्सेप्ट मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मोल्स कॉन्सेप्ट आप सब नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, मोल क्या होते हैं, मोल के बारे में डिटेल में पूरा आप नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरह से मोल्स होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है प्रॉपर्ली किस पर वेट होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, आपको ध्यान, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, क्या कंजर्वेशन ऑफ मास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शन होती है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड होती है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो होप ये एमसीक्यूज आपको, 8 एमसीक्यू हमने डिस्कस कराएं, बाकी के जो और एमसीक्यूज बचते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। तो होप ये आपको समझ में आया, फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।